हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ केयर टू टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका फ़ोन का भी बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे सेटिंग्स बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका फ़ोन का बैटरी जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा, डबल नहीं हो जाएगा लेकिन हाँ पहले जितना चलता था उससे बहुत ज़्यादा जो है चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आपको सिंपली टर्न ऑन और ऑफ़ कर लेना है। इसके बाद ही जो है आपका फ़ोन का बैटरी पहले से थोड़ा बेटर चलने वाला है। तो अगर आप अपने बैटरी से परेशान हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पे आखिर हमारा फ़ोन में बैटरी ख़त्म कब होता है ज़्यादा, तो सब जब आप अपने फ़ोन में हैवी टास्क करते हो, जैसे कि गेम्स खेलते हो, बड़े बड़े गेम्स हो गया, जैसे BGMI जैसे गेम खेलते हो, तब आपका फ़ोन जो है जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है और उसमें जो है ज़्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। अब जितना ज़्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा प्रोसेसर जो है आपका फ़ोन का बैटरी का इस्तेमाल करेगा, और जितना ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। तो हैवी टास्क करने से जो है ज़्यादा बैटरी ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपका हैवी टास्क नहीं करते फिर भी बैटरी ख़त्म होता है तो आपका हो सकता है बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, या तो बैटरी का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से आप चाहे तो उस बैटरी को चेंज कर सकते हो, आप उसको उस बैटरी को चेंज कर लेना है। और अगर आपका बैटरी नया है या तो वो बड़ा है फिर भी ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, इसको आपको फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है वाइब्रेशन। तो आपने देखा होगा जब आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है या तो कॉल्स आते हैं, तब वहाँ पे रिंग भी होता है आपका फ़ोन, उसके साथ साथ फ़ोन वाइब्रेट भी करता है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से भी आपका जो फ़ोन है वो उसका चार्ज ख़त्म होता है, तो आपको वाइब्रेशन को ऑफ़ कर देना है। देखना आप जब टाइप करते हो या तो नेविगेशन बटन्स का भी इस्तेमाल करते हो तब आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन को आपको ऑफ़ कर देना है। वाइब्रेशन ऑफ़ करने से वो वाला वाइब्रेशन काम नहीं करेगा और आपका बैटरी बहुत हद तक सेव हो सकता है। वाइब्रेशन को ऑफ़ करने के लिए चले जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सर्च करना है वाइब्रेशन, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वाइब्रेशन, और वहाँ से आप वाइब्रेशन को सिंपली ऑफ़ कर लेना। वहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सभी को आपको ऑफ़ कर देना है। ये हो गया हमारा ये स्टेप वन। अब हम जाते हैं स्टेप टू की तरफ। तो स्टेप टू में अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में बहुत कुछ छुपा है, तो इस सेटिंग्स को आपको टर्न ऑफ या तो ऑफ़ कर लेना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है ऑटो ब्राइटनेस। तो अगर आपके फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ़ करने का ऑप्शन है तो उसको सिंपली आप ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है और जब घर के अंदर रहते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो ब्राइटनेस की हेल्प से भी आपका जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ़ कर देना है और आपका जो बैटरी ब्राइटनेस है वो 50% के नीचे आपको रखना है, मतलब हाफ के नीचे रखना है, ताकि वो जो है ज़्यादा बैटरी ना इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डार्क मोड। आप अपने फ़ोन में डार्क मोड को इस्तेमाल करो। डार्क मोड को ऑन करने के लिए बस आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा सर्च करने के बाद, तो आप सिंपली वहां से डार्क मोड को इनेबल करो। डार्क मोड इनेबल करने से आपका फ़ोन का UI ब्लैक हो जाएगा और उसके बाद आपका बैटरी सेव हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वॉलपेपर। तो आपके फ़ोन में अगर आप वॉलपेपर लगाते हो 3D वॉलपेपर, या तो वॉलपेपर में वीडियो चलता है, क्योंकि आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है। इसी वजह से लाइव वॉलपेपर या तो वीडियो मत लगाना वॉलपेपर के अंदर। वॉलपेपर जो है सिंपल सा डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, या तो आप ब्लैक वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिफ्रेश रेट। आजकल का हर एक स्मार्टफोन में फास्ट रिफ्रेश रेट आ रहा है, जैसे कि हो गया 120 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट को जो है एकदम लो पे रखना है। अगर आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है तो उसको जो है स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ पर रख सकते हो। तो इसको करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है, ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर सर्च करना है रिफ्रेश रेट। पहले ही आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है रिफ्रेश रेट को आपको 60 हर्ट्ज़ पे रखना है, या तो स्टैंडर्ड में रखना है। नेक्स्ट वो भी डिस्प्ले के अंदर आता है, वो है रेज टू अवेक। तो रेज टू अवेक नाम का एक ऑप्शन रहता है। तो इससे क्या होता है, जब आप अपने फ़ोन को हाथ में लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो जाता है, आपको स्विच को दबाने की ज़रूरत नहीं होता। तो इस ऑप्शन को भी आपको ऑफ़ कर लेना है, आपको ये भी सेटिंग्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेप टू कम्प्लीट हो चुका है, अब जाते हैं हम स्टेप थ्री के अंदर। तो स्टेप थ्री के अंदर आता है सिग्नल। तो बहुत सारे सिग्नल है जो उसको आपको ऑफ करना है। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हो और मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपने फ़ोन में वाईफाई को भी इनेबल करके रखते हो, तो वाईफाई को आपको ऑफ कर देना है। अगर आप वाईफाई इसी वजह से ऑन करते हो ताकि कोई वाईफाई में सिग्नल मिल जाए और उससे आप जो है फ़ोन को कनेक्ट करो, तो ये चीज़ आप मत करना, क्योंकि जिस वाईफाई को आप जानते हो उसी से आपको कनेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपका फ़ोन जो है हैक होने का संभावना है वाईफाई की हेल्प से। अननोन वाईफाई से कनेक्ट मत करना।
उसके साथ साथ ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई, इन सब चीज़ को आपको जो है अननेसेसरी चीज़ को आपको ऑफ करके रखना है। मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट हो गया, जब आप इस्तेमाल नहीं करते तो इन सब ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। इससे जो है बैकग्राउंड में बहुत सारे जो है आपका डेटा को इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ आपके फ़ोन का बैटरी को भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जो है आपको ऑफ कर देना है। तो स्टेप 3 कम्प्लीट हो चुका है, आप जाते हैं यहाँ अपने स्टेप 4 की तरफ। तो यहाँ पे है स्कैनिंग। तो अगर आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और वाईफाई को ऑफ भी कर देते हो फिर भी वो जो है बैकग्राउंड में स्कैन करते रहता है, तो आपको जो है इस स्कैन को बंद करना है ताकि वो जो है बैकग्राउंड में काम ना कर पाए और आपका बैटरी को ख़त्म ना कर सके। तो इसी वजह से आपको चले जाना है आपके फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सर्च कर लेना है स्कैनिंग। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्कैनिंग में जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ब्लूटूथ स्कैनिंग या तो वाईफाई स्कैनिंग। तो इसको आपको ऑफ कर देना है, या तो आप इसको ऑफ करने के लिए आपको वाईफाई में लॉन्ग प्रेस कर सकते हो या तो ब्लूटूथ में लॉन्ग प्रेस करके भी ये चीज़ कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप सेटिंग्स में जाके करते हो, क्योंकि एक एक फ़ोन का एक एक टाइप का चीज़ होता है। तो यहाँ पर हो गया है हमारा स्टेप 4, अब हम जाते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो स्टेप 5 में क्या है कि अगर आपका फ़ोन में बहुत सारे ऐप इंस्टॉल्ड है तो उनका आपका कोई उसका काम नहीं है तो उसको सिंपली आपको डिलीट कर देना है। उसका कोई काम नहीं है आप उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उस ऐप का अगर काम नहीं है फिर भी वो जो है बैकग्राउंड में ऐप का इस्तेमाल करेगा, वो जो ऐप है अपडेट होगा ऑटोमेटिकली, तो इससे जो है आपका फ़ोन का डेटा भी खत्म होगा, बैटरी भी खत्म होगा। इसी वजह से आपको जो है जो अननेसेसरी ऐप है उसको डिलीट कर दो। अगर वो डिलीट नहीं होता तो उसको आपको डिसेबल कर देना है या तो फोर्स स्टॉप कर देना है और नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देना है, इससे भी जो आपका बैटरी बहुत तक बच जाएगा। नंबर 5 पर आता है हमारा गेम मोड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जब आप गेम खेलते हो तब आपके फ़ोन में प्रोसेसर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बैटरी भी ज़्यादा ख़त्म होता है, तो इस टाइम पे आपके फ़ोन के अंदर गेम मोड को ऑन करके रखना है, क्योंकि गेम मोड ऑन करने से आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो और जेट बेटर हो जाएगा और बैटरी भी इस्तेमाल होगा, बहुत सारे सेंसर काम करना बंद कर देता है, इसी वजह से जो है गेम का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, उसके साथ बैटरी भी ज़्यादा चलेगा। और अगर आपको और बैटरी बचाना है ज़्यादा, तो आपको जो गेम है वो आपको लो सेटिंग्स में खेलना है। लो सेटिंग्स में खेलने से आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो बहुत हद तक बच जाता है। स्टेप 7, अगर आपके फ़ोन में और ज़्यादा बैटरी को बचाना है तो आप अपने फ़ोन को लो पावर मोड को ऑन करके रख सकते हो। लो पावर मोड या तो बैटरी सेविंग मोड आपको ये जो है नोटिफिकेशन पैनल में या तो क्विक कंट्रोल सेंटर के अंदर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने से आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा बच सकता है, बैकग्राउंड में वो जो है ऐप्स को मतलब काम करने के लिए रोक देता है और आपका फ़ोन जो है ज़्यादा देर तक चलता है, तो आपको इस चीज़ को भी ट्राई करना है। अगर यहाँ पे मैंने जितने भी स्टेप्स बताए अगर इस सब को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपके फ़ोन में बैटरी का प्रॉब्लम है तो आप जो है सिंपली आपको बैटरी को चेंज कर देना है। अगर बैटरी को चेंज करने के बाद भी वो काम करने लायक नहीं है तो आपका फ़ोन का काम नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कर दो, उसको जो है आप चेंज कर लो, उसको टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि उसका अब कोई काम नहीं है, अपने आप फोन ले सकते उसके। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।